चलिए खैर, सो डेली बाइट्स में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डेली बाइट्स ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आपको पता है, ये सेशन लाइब्रेरी साइंस के रिगार्डिंग है, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम डेली बाइट्स पर आए हैं तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डेली बाइट्स इकलौता इग्नू का ऐसा कोर्स है डेली बाइट्स पर जो फॉलो होता है, जिसका मंथ में एक बार हम लोग सेशन जरूर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में बहुत सारे और भी टेक्निकल एस्पेक्ट जुड़े रहते हैं। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आपने एडमिशन लिया और दो चार जो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स का एग्जाम दिए और पास हो लिए और बात खत्म, और उतने पे सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा और डिग्री मिल जाएगी। लाइब्रेरी साइंस में चीज़ें कुछ उस तरह से वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पर आपको हो सकता है कि थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस लेने जाना पड़े, थोड़ा सा आपको इंटर्नशिप करने जाना पड़े, या फिर उसकी जगह आपको लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट देना पड़े। कुछ कुछ एडिशनल्स आपको देखने के लिए मिल सकता है, कुछ दो चार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का भी एक्सपोजर होना चाहिए। कोहा वगैरह आपको बेसिकली आना चाहिए, 227 में आपको कैसे कॉल नंबर वगैरह निकालना है, ये सब दो चार चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि महज ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप रटोगे और काम बन जाएगा। एंड हाँ, जो इन लोगों का इंटर्नशिप वगैरह वाला एरिया है होता है, उसमें लिटरली उनको आपको उसको करना होता है। अगर आप नहीं करोगे, या इन लेमैन लैंग्वेज कहूँगी, अगर 3-5 करोगे तो लिटरली उसमें वो फेल भी करते हैं। तो लाइब्रेरी साइंस में ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। और एज फार एज करियर कंसर्न है लाइब्रेरी साइंस में, उसमें अगर मैं शॉर्ट में आपको समझूं या समझाऊं, तो देखिए, आपको पता होगा कि रिसेंटली भी DSSSB में कुछ सीट्स रिलीज हुआ था, या फिर जो है चंडीगढ़ में कुछ सीट रिलीज हुआ है। तो आप देखोगे कि सभी जगह कुछ ना तो कुछ लाइब्रेरी साइंस की सीट्स हमेशा रहती है, लाइब्रेरियन की सीट हमेशा रहती है, बिकॉज ऑफ द सेम थीम थ्योरम कि किसी भी स्कूल में अगर टीचर की आवश्यकता है तो सभी स्कूल्स में लाइब्रेरी भी होता है। एंड बट ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्वियसली टीचर ज़्यादा होते हैं, लाइब्रेरी स्कूल में एक ही होता है, लाइब्रेरियन स्कूल में एक ही होता है। लाइब्रेरी के साथ और भी बहुत सारे लाइब्रेरी में जो है नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को लाइब्रेरी साइंस के फील्ड की ही डिग्री होनी चाहिए। उसमें भी अलग अलग लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक सर्टिफिकेट कोर्स देखने के लिए मिलेगा, एक बैचलर्स देखने के लिए मिलेगा, एक मास्टर्स देखने के लिए मिलेगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ सभी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बैचलर्स का डिग्री परस्यू कर रहे हैं, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस परस्यू कर रहे हैं या करने को सोच रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो, बीट दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, या फिर बीट कोई प्राइवेट में आप लवली पर LPU वगैरह है पंजाब में, वहाँ से आप कर सकते हो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वहाँ से आप कर सकते हो। वो और भी बहुत सारी मेजर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो करवाती हैं, आप जामिया से भी कर सकते हो, आप BHU से भी कर सकते हो, आप एक कह लो मोस्ट प्रेफरेबल रहता है स्टूडेंट्स के तरफ से, आप इग्नू से भी कर सकते हो, क्योंकि इग्नू की डिग्री सेम एट पार रहती है, चाहे आप रेगुलर से किए हो चाहे आप डिस्टेंस से किए रहो, वैल्यू सेम है। बस होता क्या है कि जब आप रेगुलर वाले में जाते हो तो भाई नहीं नहीं डिफरेंस पड़ता है, डिफरेंस ये पड़ता है भाई, टीचर वहाँ रेगुलरली बैठे रहते हैं, बच्चे सारे लाइब्रेरी साइंस के बैठे रहते हैं, उसमें दो चार खोजी टाइप के विद्यार्थी होते हैं जो कुछ कुछ ढूंढ के लाएंगे कि भाई इस करियर में ये चल रहा है, वहाँ जॉब आया है, यहाँ आया है, तो एक वो एक्सपोजर मिल जाता है रेगुलर वाले में। अगर आप डिस्टेंस से परस्यू करते हो तो थोड़ा सा आपको जागरूक रहना पड़ता है, थोड़ा सा आपको डेली बाइट्स टाइप के संस्थाओं से भी जुड़ना पड़ता है, ताकि अगर डिस्टेंस से हो तो आपको मोर और लेस कम चाहे ज़्यादा उस पर अपडेट रहे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी रिसेंटली आपको देखने के लिए मिलेगा कि चंडीगढ़ में ही सीटें कम हैं, तो लाइब्रेरी साइंस परस्यू करने वाले लोग भी कम होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस परस्यू करने वाले लोग भी कम होते हैं, लेकिन 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 ऐसा कुछ नहीं है कि कॉम्पिटिशन कम हो, सीट कम आता है, एप्लीकेंट भी कम रहते हैं। हाँ, नॉर्मल किसी जॉब की तुलना में ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन कम रहता है, ठीक है। तो यही रीज़न है कि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब वगैरह वाले भी इसको परस्यू करते हैं। परस्यू क्यों करते हैं? क्योंकि भाई जब वो गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो उनको वहाँ पर यह एहसास होता है कि अच्छा, उनके ऑर्गेनाइजेशन का भी एक लाइब्रेरी है। जैसे कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे होगे, स्कूल कॉलेज छोड़ दीजिए, आप अगर आप रेलवे में जॉब करते हो, अगर आप पैरामिलिट्री में जॉब करते हो, आप आर्मी में जॉब करते हो, अगर आप कोई भी और जो है कह लीजिए कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हो, इन सब का अपना एक लाइब्रेरी होता है, इन सब का एक लाइब्रेरी होता है, और सब में जो है एक पोस्ट का काडर बना रहता है, लाइब्रेरियन का होता है या फिर और जो सेमी प्रोफेशनल लाइब्रेरियन स्टाफ जो सारा कुछ होता है। इनफैक्ट जैसे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट या क्वेरी रहता है कि सर ट्रेनिंग कहाँ से करें, जब तक आप डिग्री या कोर्स परस्यू कर रहे होते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप के सभी सभी स्टेट्स में, एक कैपिटल में तो लाइब्रेरी होता ही है, आप लोगों के जिले में भी, आपके डिस्ट्रिक्ट में भी एक स्टेट लेवल की, आपके एक डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की लाइब्रेरी होती है। अब वो एक अलग बात है कि लोग वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कितना लोग लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन आइडिया और कॉन्सेप्ट तो वही है कि लाइब्रेरी में आप जाते हो, कोई किताब आपको ढूंढना है, कुछ करना है, तो वो इतना आसान नहीं होता है।
हाँ ये एक अलग बात है, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे यहाँ जो लाइब्रेरी साइंस के कोर्स परस्यू कर रहे हैं और जिन्होंने ठीक से लाइब्रेरी में पैर भी नहीं रखा है, ठीक है, ऐसे लोग भी मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन यार ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होगा ना जब आप लाइब्रेरी साइंस को एज अ करियर परस्यू करना चाहोगे, तो आपको दिक्कत होगा। तो तुमको टीचिंग जॉब में जा रहे हो या फिर उससे रिलेटेड किसी जॉब में जा रहे हो, जो किसी संस्था में जा रहे हो जहाँ फिर कॉलेज है या फिर कोई स्कूल है जहाँ पर लाइब्रेरियन का सीट निकला है, जहाँ पर ज़्यादा देखने के लिए मिलता है हमको, जहाँ पर हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, अगर आप उसमें जा रहे हो तो फिर आप दिक्कत महसूस करोगे। अगर आपने ऐसा है कि आप लाइब्रेरी में पैर भी नहीं रखे हो, ट्रेनिंग में भी आपने ठीक से नहीं किया या इंटर्नशिप भी ठीक से नहीं किया, तो वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर काउंट होती है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इग्नू के अगर होंगे, ठीक ठाक स्टूडेंट्स इग्नू से भी परस्यू करते हैं, तो आप लोगों का असाइनमेंट वगैरह सबमिट हो रहा है और अभी के लिए लास्ट डेट 31 मार्च है जो सबमिट करना है। इग्नू में साल में 2 बार एडमिशन होता है, एक जुलाई साइकिल है, एक जनवरी साइकिल है, तो इस समय जुलाई साइकिल वालों का असाइनमेंट सबमिट हो रहा है जिसका लास्ट सबमिशन डेट है 31 मार्च टिल फर्दर एक्सटेंशन, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि एक्सटेंड होगा 30 अप्रैल तक। और कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने इधर एडमिशन लिया है, क्या कहते हैं, जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है, तो आप सभी लोगों का जो भी इसमें एग्ज़ाम वगैरह है या फिर असाइनमेंट सबमिशन वगैरह आपको सितंबर से लेकर दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगा। ऑल्सो एक बहुत कॉमन क्वेरी ये भी रहता है कि सर मैं गवर्नमेंट जॉब परस्यू कर रहा हूँ या मैं किसी एक्स वाई जेड डिग्री कोर्स में एनरोल्ड हूँ, तो क्या मैं साथ में लाइब्रेरी साइंस परस्यू कर सकते हैं? यस, आप परस्यू कर सकते हैं। और एक और जो कॉमन क्वेरी है उसको मैं ले लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों के मुद्दे पर आऊँगा, फिर आप लोग अपना माइक ऑन करके जो भी डाउट और क्वेरी है पूछ सकते हैं। एक बहुत बड़ा मसला रहता है कि सर अक्सर लाइब्रेरी का जो जॉब निकलता है, आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी का जब जॉब निकला है तो उसमें हमको ट्रेनिंग मांग रहा है कंप्यूटर के फील्ड का, सर्टिफिकेट मांग रहा है कि कंप्यूटर में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। तो देखिए, देखो अगर ऐसा है कि आप, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके BCA कर रहे हो या जाके कोई कंप्यूटर साइंस में कोई बड़ा सा हायर डिग्री परस्यू किए हो, आपको पता होना चाहिए भारत सरकार की रजिस्टर्ड बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको कंप्यूटर में डिग्री सर्टिफिकेट देती हैं, जिसमें से वन ऑफ द बेस्ट NILET है, ठीक है, जो CCC या ओ लेवल का देती है, ठीक है। तो वो CCC और ओ लेवल वाला जो होता है, जिसमें उसमें जो ओ लेवल वाला होता है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, वो पूर्णतः मान्य रहता है। तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो लाइब्रेरी साइंस के फील्ड से रिलेटेड डिग्री ले रहा है, तो अगर आपको कंप्यूटर वाला डिग्री लेना है तो वहां पर आप ना कोशिश करो कि ओ लेवल वाला ले लें। ऐसा नहीं है कि आप PGDCA नहीं कर सकते हो या फिर कंप्यूटर साइंस में BTech नहीं कर सकते हो या फिर BCA नहीं हो सकता, वो सब भी मान्य है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ द लोग ऐसे नहीं, बस कंप्यूटर में डिग्री नहीं रहता है। तो आप देखो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NILET जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, तो यहाँ पर आप जाके ना ओ लेवल वगैरह के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, CCC वाला मान्य नहीं होता है, मतलब लाइब्रेरी साइंस के जॉब में। मेजोरिटी ऑफ देम लाइब्रेरी साइंस के जब जॉब निकलेगा, लाइब्रेरियन के पोस्ट पर आपको ओ लेवल के लेवल का चाहिए होगा सर्टिफिकेट, और अगर सेमी असिस्टेंट वाला चाहिए होता है तो वहाँ पर CCC वाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आप घर बैठे बैठे भी परस्यू कर सकते हो, ठीक है, आपको ओ लेवल का इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो बेसिकली ये वन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप कर सकते हो और पूरे इंडिया में एकदम हर प्रकार से मान्य रहता है, ठीक है, इसका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह है। तो जितने भी लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आपको इस फील्ड में करियर का आप ऑप्शन तलाश रहे हो तो आपकी कोशिश जरूर होनी चाहिए कि NILET से हम कोई सर्टिफिकेट ले लें। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे ऐसे भी संस्था हैं जो जो सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी संस्था हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं, लेकिन देखो उनकी वैलिडिटी पर ना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा। जब आप गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो कागज पत्र बहुत साफ सुथरा और बहुत तरीके से होना चाहिए। तो साफ सुथरा तरीके से होने का क्या तरीका ये है कि भाई वो जो कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट आपने परस्यू किया है, वो कंप्यूटर का डिग्री या सर्टिफिकेट ही सबसे बेस्ट चीज़ है कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही आपको दे, उसका बाकायदा एग्जाम होता है, उसका भी लैब वगैरह होता है, ठीक है, तो वो आपको जेन्युइनली जाके करना होगा। खैर, जिस भी कैंडिडेट को आप डाउट और क्वेरी है आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, देन वी विल कॉल आउट योर नेम, फिर आप अपना माइक वगैरह ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को डाउट और क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड। यस, फर्स्ट आई विल कम टू शिवम, देन आई विल कम टू निशांत। यस शिवम, यस प्लीज, क्या क्वेरी है आपकी? गुड गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग इवनिंग मैम। शिवम। जी शिवम, बताइए। हाँ। सर सर मैंने अभी जस्ट मेरा BLIT का रिजल्ट आया। मैंने रेगुलर कोर्स करा है, अभी इग्नू जनवरी सेशन वाला मैं एडमिशन लिया एमलिव में, ठीक है। तो सर अभी कल ही मेरा CUET का भी एंट्रेंस था, वो भी दिया।
और ये तो मैम ये पूछ रहा हूँ ना, मुझे नेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो थोड़ा उसके लिए गाइडेंस देना। लाइब्रेरी साइंस से नेट का प्रिपरेशन करना, राइट? हाँ यस सर। यस, मैं बोल रहा हूँ लाइब्रेरी साइंस से। ओके ओके ठीक है शिवम, इससे रिलेटेड आपको जल्द ही देखने को मिलेगा दिल्ली बाइट में, जहाँ कुछ नेट से रिलेटेड प्रिपरेशन या फिर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपको अपकमिंग या फिर आप डायरेक्टली मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ जाइएगा, सो दैट जब भी कुछ ऐसा हो तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाए। एंड शिवम, पेपर वन जो है सबका सेम होता है, ठीक है? बेसिकली है कि, एग्जैक्टली हाँ हाँ बेसिकली है यस क्या कि यस जब आप मास्टर्स इन लाइब्रेरी साइंस कर रहे हो BLIS कंप्लीट करने के बाद, तो उसका उसमें तो सर। एक तो आपको सबसे पहले तो आपको फिलहाल फोकस करना चाहिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह पर, क्योंकि MLIS वाले में प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बहुत मच है, ठीक है? तो वो इतना आसानी से नहीं होगा जितना आसानी से आपने BLIS कर लिया है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली बात है कि आप MLIS परस्यू कर रहे हैं तो नेट GRF का एग्ज़ाम आपको देना चाहिए लाइब्रेरी साइंस से, बिल्कुल दीजिए। पेपर वन उसमें सेम है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जो लाइब्रेरी साइंस का पेपर टू वाला कंटेंट है बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाए, ठीक है? बहुत इजी और अफोर्डेबल प्राइस में, सो दैट नेट GRF में हेल्पफुल रहे, ठीक है शिवम? हाँ सर यस सर, उसके लिए कोर्स जरूर शुरू कीजिएगा। और मैम ना प्लीज बुक भी सजेस्ट कीजिएगा थ्योरी के लिए, कि कौन से बुक से जो थ्योरी पढ़े तो अच्छा रहेगा। नेट GRF के लिए देखना पड़ेगा थोड़ा। ठीक है शिवम। ओके शिवम, बाकी एक चीज ऐड करूंगी कि नेट GRF का चाहे किसी भी सब्जेक्ट के साथ दे, लाइब्रेरी साइंस या कोई भी, पेपर वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको स्किप मत करिएगा। ठीक है, और पेपर वन से रिलेटेड यदि कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए दिल्ली बाइट पे फिलहाल एट अ टाइम भी अभी भी प्रेजेंट है चीजें। ठीक है, तो आप मुझसे बाद में भी कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी साइंस में जो ओके नेट GRF कंटेंट है उसमें 2-3 महीना लगेगा डेली वाइट्स पर आने पर, उस पर काम चल हाँ रहा है, ठीक एग्जैक्टली है? लेकिन उसको टाइम लगता है कंटेंट क्रिएट करने में, ठीक ठाक समय लगेगा अभी, ठीक है? क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में नेट GRF परस्यू करने वाले होते हैं कम, ठीक है? तो पेपर वन का डोमेन हम लोग कवर करते हैं, ठीक है? पेपर टू जितना लिमिटेड रिक्वायरमेंट रहता है उसी हिसाब से कवर किया जाता है, ठीक है शिवम? और सर एक लास्ट क्वेश्चन था कि सर इंटर्नशिप के लिए ना बहुत जगह ढूंढ रहा हूँ पर वैसा कुछ मिल नहीं रहा है, तो तो BLIS और में कहाँ से सारा किया तो था सर मैं तो रेगुलर कॉलेज से करा था सर, आपने, कहाँ से किया है? ये मैं देवघर झारखंड से हूँ ना, तो अच्छा सर ए अच्छा एस कॉलेज है यहाँ पे, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहीं से करा था। तो वहाँ के लाइब्रेरी में मैंने लगभग 2 से 3 मंथ काम करा है, एसेसनिंग सब करा था लाइब्रेरी में। तो फिर मुझे वो कहीं पे होते हैं ना जो 6 महीने 1 साल का यस यस इंटर्नशिप कर लो और वो सर्टिफिकेट दे दे मुझे, तो फिर कोई उन्हीं भी से कांटेक्ट कर ऐसे लीजिए, वापस से वो आपको करवा देंगे, क्या दिक्कत है? सर कॉलेज एग्री नहीं करे, वो 3 मंथ से ज्यादा कर नहीं दिया, अच्छा, 3 मंथ और से फिर ज़्यादा उनको वो लाइसेंस नहीं होगा देने के नहीं। लिए। हाँ और फिर वो जो और एक्स्ट्रा है तो वो फिर जूनियर बैच को कराते हैं। उसका भी लिमिटेशन रहता है, सभी कॉलेजेस उतना लंबा लंबा हाँ ड्यूरेशन का नहीं दे सकते हैं। चलिए ठीक है, तो तो आप सर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में देख लीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट के। सर वहाँ है सर। गया भी हो कभी कि नहीं? हाँ सर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में पढ़ता था। हाँ यस सर। हाँ, तो वहाँ क्या दिक्कत हो रही है? वो भी नहीं देना 6 महीने तो का। नहीं, अरे क्या वो नहीं लोग दे? इग्नू में जो इंटर्नशिप वाला होते हैं ना जो, तो वो सिर्फ उसका वो कर देते हैं हाँ, क्योंकि उसके लिए इग्नू की बस। तरफ से भी ये कंपल्शन कर दिया गया लाइब्रेरी से, तो करवाना है, क्योंकि इग्नू के जो भी बच्चे हैं उनके लिए अब इंटर्नशिप जो है लाइब्रेरी साइंस में कंपलसरी कर दिया गया है, ट्रेनिंग वगैरह, उसके बिना उनको सर्टिफिकेट डिग्री नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए वो करवा रहे होंगे। तो वो डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी वो वाला काम कर देते हैं, चलिए ठीक बाकी है शिवम, इसमें मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, ठीक है? क्या आपके लिए किया जा सकता है, ठीक है? यस सर अपडेट करिएगा सर। श्योर 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 शिवम, ठीक है ठीक है, ओके, थैंक थैंक यू यू शिवम। वेलकम टू निशांत। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग निशांत जी, बताइए। मैम सर हम ये पूछना है कि जैसे हम पटना बिहार से हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से करना ठीक रहेगा रेगुलर से, या इग्नू वगैरह से करना ठीक रहेगा BLIS कोर्स पटना यूनिवर्सिटी देखिए से रेगुलर? यस मैम। पटना यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हैं, दोनों का बराबर ही इम्पोर्टेंस है। ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी में तो एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट होगा। यस मैम, यस मैम। तो मैम कौन सा अच्छा रहेगा, मतलब डिस्टेंस से करना या रेगुलर से करना?
देखिए दोनों ही सही है, ठीक है, आपके ऊपर है कि आपका क्या अवेलेबिलिटी है, आप इसके साथ और कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप फ्री हैं, हाँ आप डेडिकेटेड होकर लाइब्रेरी साइंस का करना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट हाँ करूंगी कि पटना यूनिवर्सिटी से कर लीजिए, ठीक है। मैम, प्राइवेट जॉब वगैरह में कोई मतलब ये नहीं रहता, मतलब कि आप डिस्टेंस से कीजिए या रेगुलर से कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता प्राइवेट जॉब में, और डिस्टेंस से करते हैं तो? नहीं, डिस्टेंस से करिए या रेगुलर करिए, प्राइवेट क्या गवर्नमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके मैम, ओके मैम, वैलिडिटी के थैंक निशान यू। कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो इट्स नॉट लाइक कि हम तुमको बोल दे तुम जाके रेगुलरली कर लो, पर रेगुलर करने के लिए तुमको रेगुलर जाना भी तो पड़ेगा वहां पर, ठीक है? वहां रहोगे, वहां पर रेगुलरली जाके करोगे, तो वो ऑप्शन तो अच्छा है ही। देखिए वो ऑप्शन तो अच्छा है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो कोई संशय नहीं हो, तो सर्टिफाइड है कि भैया जाके आप वहाँ करिए। लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी की इशू है, आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि भाई पटना में रहने का भी ऐसा नहीं है कि आप, मान लीजिए अगर आप एग्जैक्टली प्रॉपर पटना के नहीं हो, तो जाके बाहर से पटना में आके रहना कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है? तो वो नहीं सब नहीं, तो सर, फिर एक पटना दूसरे में ही रहता करिए, हूँ सर, पटना में ही रहते हैं सर, ठीक है? जब पटना पटना में में रहते हैं तो रहते हैं, बिल्कुल आपको तो करना चाहिए फिर। पटना यूनिवर्सिटी सर। ओके थैंक यू सर, ठीक है थैंक मैम, यू सर, थैंक थैंक यू यू निशांत। सर। ओके हाँ, देन वेलकम टू स्वतंत्र कुमार। जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, बताइए। हम मैंने इस बार मैंने जनवरी में मैंने ओडीएल मोड में मैंने इग्नू से एडमिशन लिया है, और अभी तक हमारा ये एक्चुअली क्या है कि अभी तक एडमिशन कंफर्मेशन नहीं है, बट सब वहाँ के टीचर लोग बता रहे हैं कि इतना दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, तो इसके लिए अभी कैसे मतलब स्टडी वगैरह किया जाए, क्योंकि अभी इसका कुछ स्टडी मटेरियल भी मुझे प्रोवाइड नहीं हो पाया, सही तो बता रहे हैं समझ वो, में सही बता रहे हैं। अभी आपने जनवरी में एडमिशन लिया है, तो आपको कंफर्मेशन कुछ दिन में मेल पर आ जाएगा, और अगर एडमिशन में कोई दिक्कत होगा कंफर्मेशन को लेकर, तो भी यूनिवर्सिटी आपको बताएगी कि भैया आपके यहाँ पर डिग्री या सर्टिफिकेट में कुछ ना कुछ इशू है, सो करेक्ट करके भेजिए, तो एडमिशन आपका हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी जो आप कह रही है दिसंबर में पेपर होगा, तो बेसिकली होता क्या है, जिस बच्चे का जनवरी में एडमिशन हुआ उसका पेपर दिसंबर में होगा, असाइनमेंट आपका सितंबर में सबमिट होगा, ठीक जी है? सर। तो असाइनमेंट वगैरह को लेकर बहुत परेशान नहीं होना है, ठीक है? वो आप सितंबर जब आएगा तो आप डेली बाइट्स पर भी ले और सकते स्टडी के हैं। लिए क्या कर सकते हैं सर, कि किस प्रकार से इसका प्रिपरेशन करेंगे? यार इतना तो बड़ा उसको आपको हाइप नहीं देना है कि आप अभी से सोचो कि हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे। वो महज एक सेमेस्टर एग्ज़ाम है, ऐसे समझ लीजिए, जिस दिसंबर में सारा पेपर पड़ेगा, जिसमें आपको महीना भर पहले आपको सारा वीडियो लेक्चर वगैरह चाहिए होगा जहाँ पढ़ना चाहोगे। वरना आप पूछ रहे हो कैसे पढ़ें, तो मैं तो यहाँ तक कह देता कि जाओ डेली बाइट्स के ऐप में जाके लाइब्रेरी साइंस का लेक्चर सीरीज आप ले लीजिए। लेकिन अभी से लेके क्या करोगे? अभी ले लोगे तो फिर हमको आओगे, कहोगे सर वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसमें रिकॉर्ड करके दे दीजिए, ठीक जी है? सर। तो वो एग्ज़ाम के टाइम आता है, वो जितना रिक्वायर्ड है उतना ही एफर्ट लगाएंगे, उससे ज़्यादा क्यों लगाएंगे? हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, इसके ऊपर मैम कुछ कह रही थी आप। हाँ एग्जैक्टली एक चीज जो भी जनवरी सेशन के एक चीज अभी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लाइब्रेरी साइंस में टोटल 9 सब्जेक्ट है जिसके असाइनमेंट लिखने होते हैं, तो एक बार में सितंबर में तो ऑफकोर्स आपको सबमिट करना है, लेकिन आप सितंबर में परचेज करेंगे या फिर खुद से भी बनाएंगे मान लेते, तो 9 असाइनमेंट लिखने में ना बहुत बर्डन फील होगा, तो यदि आप अभी से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, तो वो आपको कम लगेगा, ठीक है। हर मंथ में टारगेट करिए कि 1 या 2 असाइनमेंट कंप्लीट करना है सभी के लिए, जो भी आ रहे हैं। एक्चुअली मैडम, हाँ एक्चुअली जी मैंने ले भी रखा है, बट वही है कि उसका मैं स्टार्टअप में करना चाह रहा था भाई। हाँ एग्जैक्टली स्टार्ट कर दीजिए सभी लोग जो भी जनवरी सेशन के, क्योंकि 9 पेपर के असाइनमेंट लिखना आम बात नहीं है, एक हाँ बिल्कुल, टाइम पे टाइम टेकिंग बोरिंग लगने लगता है लगेगा। हाँ जी सर। एग्जैक्टली टाइम टेकिंग भी होगा और बोरिंग भी लगने लगेगा, तो हर मंथ में टारगेट लेकर कि 2 लिखना है 1 लिखना है कंप्लीट हो जाएगा तब तक। और अगर कोई चाहे तो ये भी डेलीवेट के ऐप से परचेज कर सकता है, अगर खुद से बनाना है तो भी ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू स्वतंत्र। वेलकम टू सुमित सकोलिया। सुमित शायद पिछली बार भी यस थे। सर, जी सर, गुड ठीक इवनिंग है। सर, गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जी मैम, गुड इवनिंग। जी सर, सर जी सर, मैं पिछली बार भी था सर, जी जी पिछले बताइए। मंथ हाँ मैंने आप, हर बार आपका एडमिशन स्वागत है, बताइए। हाँ पिछले मंथ मैंने एडमिशन लिया था, एडमिशन नहीं लिया सर, इस मंथ मैंने एडमिशन ले लिया सर, इग्नू से BLS में सर, इग्नू से लिया मैंने। तो सर मुबारक क्वेश्चन ये था कि सर, जैसे सर अभी हमने इग्नू में एडमिशन लिया सर, मेरा एनरोलमेंट नंबर अभी कल परसों आ गया, तो सर जैसे सर मैं सर इसके बीलिव की डिग्री के साथ साथ ही सर इसका सर कॉम्पिटेटिव के लिए भी इसी की सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ सर। मुझे ये जानना कि सर हम इसके लिए सर रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे कि सर हमें यहाँ से कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर सकते हैं, कि जैसे सर क्योंकि रेगुलर वालों के पास तो सर वो होगी लाइब्रेरी होगी उसके सर पर्टिकुलर के लिए होगी,
तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए होगी, बट सर हमारे जैसे सर हमने इग्नोर में लिया है, तो सर हमारे पास इसके लिए ई सोर्सेस कहाँ से, या ई सोर्सेस या रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे कि जहाँ से हम सर इसकी कॉम्पिटेटिव तैयारी कर सकें साथ साथ इसके बीएलएस के लिए। जी सर, व्हाट यू मैम, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी सेम चीज कहा था, बट हाँ सोन इस पे मैं वर्क स्टार्ट करूंगी सो दैट आप लोग को कहीं और ना जाना पड़े. जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर रिसोर्स मटेरियल जो बेस्ट हो सकेगा प्रोवाइड किया जाएगा. और अभी अगर एट प्रेजेंट पूछेंगे तो सुमित अगेन मैं यही कहूंगी, आप तो व्हाट्सएप से भी कनेक्टेड है मेरे से, आप टेक्स्ट करिएगा, मैं बेटर वे में कहीं पे कुछ अभी प्रोवाइडेड होगा तो मैं गाइड कर दूंगी. बाकी फिलहाल अभी बाकी आप सुमित अगर आप एग्जाम के परस्पेक्टिव से एकदम प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप इग्नू का जो कंटेंट है ना, जो ई मटेरियल है, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको लेकर अपने पास रखिए और एक तरह से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपको उस फील्ड में करियर बनाना है ना, तो आपको उसकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, आपको उसकी आवश्यकता जो है वहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड, आपको उसकी आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। देखने के लिए आपको मिलेगा कि जो है, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको ना वो डाउनलोड करके अपने पास रखिए, अगर आपको उसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है, तो आपका वो कंटेंट उसी हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। सर पेज 2 नीचे. ये ना आपको आप ना यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रखिए, आप उसको पढ़ते रहिए। आई विल जस्ट शो यू। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, आपको ना सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सुमित अभी आपको बुक वगैरह नहीं आया होगा। ठीक है, अगर आपको लाइब्रेरी के साइंस के फील्ड में आपको अगर जॉब वगैरह में करियर बनाना है, तो फिर कंटेंट वाइज आपको अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना पड़ेगा, जो कि इग्नू से बेस्ट कंटेंट, सॉलिड कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा देखने के लिए। सर, और सर अगर सर हमने सर इसके सर लेटेस्ट ट्रेंड्स देखने होंगे, तो सर वो हम कैसे देख सकते हैं सर इसके हाँ, सर जो ये आपने क्वेश्चन इसके बहुत अच्छा पूछा कि लेटेस्ट ट्रेंड कैसे देखेंगे। देखो, ये नॉर्मल एकेडमिक के पढ़ाई के लिए सही है, कॉम्पिटिटिव का भी आपका काम हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप वीएमयू का भी मटेरियल रेफर कर सकते हैं, अगर आपको पता हो। ठीक है, किसका बोला वीएमयू का, ठीक है, आपने? मैं दिखा दे रहा हूँ, वहाँ से भी लाइब्रेरी साइंस होता है, कोटा का एक यूनिवर्सिटी है, उसका भी आपको कॉन्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन वहाँ से भी आप रेफर कर सकते हैं। लाइब्रेरी साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ से क्वेश्चन आते हुए। वीएमयू कोटा की जो यूनिवर्सिटी है, इस पर आपको वेबसाइट पर आप देखिएगा, इनका भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड कॉन्टेंट आपको मिल जाएगा, जो मैं फ्री अवेलेबल कॉन्टेंट बता रहा हूँ, जो आप रेगुलर बेसिस पर एक्सेस कर सकते हो। इनका भी कंटेंट आपको ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वीएमयू का मैंने दिखा दिया आपके आगे। ठीक है, कोटा की यह है वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इनका भी कंटेंट बहुत अच्छा है लाइब्रेरी साइंस को लेकर, आप इनको रेफर कर सकते हो और इग्नू का कंटेंट ले सकते हो नॉर्मल एकेडमिक एग्जाम के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर का बुक रिकमेंड करने से बचूंगा, वो मैं चाहूंगा कि नुपुर मैम ही रिकमेंड करें, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एकेडमिक के लिए आप इसको प्रेफर कर सकते हो, सेम चीज़ उसमें आएगा तो बेहतर रहेगा। देखो, किसी भी मैं रैंडम ऑथर का बुक रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना यार, DSSB के एग्जाम के लिए दूसरा बुक रिक्वायर्ड है,
केवीएस के लिए दूसरा रिक्वायर्ड है, डी ट्रिपल एस बी वाले में पार्ट ए में 100 नंबर कुछ और पूछता है, उसमें 100 नंबर कुछ और पूछता है, पार्ट बी वाले में केवीएस में 180 नंबर का पेपर आता है, उसमें 100 नंबर कुछ और पूछता है, 80 नंबर कुछ और पूछता है। तो सबके लिए किताब है अलग अलग, इसलिए मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर का बुक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है? ये डिपेंड करेगा एग्जाम टू एग्जाम। जी सर। तो सर साथ में सर लेटेस्ट स्टैंड्स के लिए सर बता दो कि सर कहाँ से इसके सर लाइब्रेरी से लेटेस्ट स्टैंड्स सर, क्योंकि सर मैक्सिमम सर मैंने सर किसी से बात की थी, उन्होंने कहा था कि जो लेटेस्ट स्टैंड हुए हैं सर लाइब्रेरी साइंस में उन्हीं को उन पे ज्यादा फोकस करो, तो सर वो हम कहाँ से सर्च कर सकते हैं देखो सर? तो सर सुमित, हम एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सबसे पहले तो आपने एडमिशन अभी लिया है ना, जी सर पहले तो आप एकेडमिक किताब पढ़ लीजिए, तब तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड समझ में आएगा। जी नहीं तो सर लेटेस्ट ट्रेंड वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, वो पता है वो आपसे क्या कह रहे थे जिन्होंने पढ़ने के लिए कहा? वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई, मान लो मैं आपको आर गुप्ता की बुक रिकमेंड कर दूँ मान लो, ठीक है? तो वो क्या कह रहे हैं, उसमें क्विज टाइप वाले एमसीक्यूज भी दे रखे होंगे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, ठीक है? तो उसमें जो लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चन आते हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप उस पर प्रैक्टिस बनाइए अपनी, जी ठीक है? सर लेकिन यार वो प्रैक्टिस तो तब बनेगा ना जब पहले ये एकेडमिक जो मैंने बताया है ये आप पढ़ोगे, वो प्रैक्टिस कैसे बनेगा, वो कहाँ से बनेगा, कितना क्वेश्चन आप लर्न करोगे? देखिए ये मैं बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स ने पढ़ा रखा है, लेकिन भाई ये बहुत लीस्ट रिकमेंडेड होता है कि आप पहले ही जाके लेटेस्ट ट्रेंड वाले क्विज के बुक उठा लीजिए, खास करके तब जो एकेडमिक प्रिपरेशन नहीं है। तो पहले आप ये जो सारा दे रखा है पहले आप इसको पढ़ लीजिए, आपने एडमिशन अभी लिया है ना, जी सर तो पहले 4 महीने इसको पढ़ो भाई, पहले डिग्री का एरिया कंप्लीट करिए, फिर तो आप उस पर जाएंगे या डायरेक्ट उसको उठा लोगे। जी सर बिल्कुल सर राइट सर आपसे नॉर्मल सिंपल सा, जैसे मान लीजिए आपसे रंगनाथन का लॉ पूछ दिया कि भैया चलो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताओ, अब हम कह रहे हैं आप उसको ट्रेंड का क्वेश्चन समझ रहे हो, ट्रेंड का क्वेश्चन नहीं, हो तो नॉर्मल एकेडमिक की बुक में दिया हुआ, आप उसको पढ़िए, ट्रेंड का क्वेश्चन ऐसा ही हो जाएगा। तो जब आपने पहले अभी सर एडमिशन लिया तो पहले आप उस एरिया को कंप्लीट करेंगे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए और इस तभी ट्रेंड वाला बुक उठाइएगा, कोई और लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चन कुछ नहीं है। लेटेस्ट ट्रेंड का क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि जो भी रिसेंट में उस पर रिलेटेड एग्जाम्स आ रहे हैं उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला बुक ले लीजिए, जिस बात की कोई गारंटी नहीं है, कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपने डी ट्रिपल एस बी वाला बुक उठाया तो डी ट्रिपल एस बी वाली वैकेंसी में अगले में लाइब्रेरी साइंस आएगा ही आएगा। तो जी पहले जो सर एकेडमिक वाला कंटेंट है आप उसको सॉलिडिफाई करिए, और आपको बहुत कंटेंट पढ़ने का मन है तो सारे क्वेश्चन आपको इग्नू के बुक और वीएमयू के बुक से मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में, जी सर और थैंक वीएमयू यू से आपको हिंदी का भी कंटेंट मिल जाएगा अगर आप मीडियम अपना देखना चाहते हैं तो, अगर किसी के साथ हिंदी मीडियम में कंसर्न आ रहा है तो, क्योंकि इग्नू का कंटेंट सर इंग्लिश में ही आता है, आपको पता होना चाहिए सभी लोगों को कि इंग्लिश का ही ऑफिशियल लैंग्वेज है इग्नू का, ठीक ना? ठीक है सुमित, तो पहले अभी आप ये करो कि पहले आप ये वाला बुक ले लो, ठीक है? पहले तुम इसको 4 महीना पढ़ लो, जी सर ठीक है? जितना ई ज्ञान कोश पर अवेलेबल है पहले तुम 4 महीने इसको पढ़ लो। अच्छा जी सर सर, पहले ये जो सारे हैं ये पहले आप 4 महीने इसको पढ़ लीजिए, जब आपको 4 महीने पढ़ लोगे तो जो आप ट्रेंड वाले क्वेश्चंस कह रहे हो फिर डिपेंडिंग ऑन एग्जाम टू एग्जाम, क्योंकि ऐसे भी एलिजिबल आप 1 साल बाद हो गए जिस चीज़ के लिए आप अभी से परेशान हो रहे हो। हाँ लेकिन चलिए अच्छी बात है, अभी से परेशान है तो अच्छी बात है, फेयर एंड अप्रिशिएबल, ठीक है सुमित? थैंक यू सर। ठीक है ओके, थैंक यू सुमित, देन आई विल कम टू निशांत से बात हो गई हमारी, देन आई विल कम टू अमन, देन राधा। यस अमन, यस प्लीज। यस सर, अमन राजपूत में आना जी है। अमन जी, बताइए अमन यस राजपूत। सर, मेरा BLIS कंप्लीट हो गया है सर, लगभग 1 ईयर हो गया है। तो सर अभी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैंने अब रिसेंटली 1 से 2 एग्जाम दिए हुए हैं, EMRS हो गया, KBS हो गया। तो सर उसमें ये हो रहा है कि लाइब्रेरी साइंस का सेक्शन उसमें 30-40% तो कवर कर ले रहा हूँ, जितना मेरा थ्योरिटिकल था मैंने कवर कर लिया था VMO, US की यूनिवर्सिटी और इग्नू से जहाँ से भी कंटेंट अवेलेबल था। बट सर उसके बाद भी सर ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है कि सर जो थ्योरी से आता है वो तो बन जाता है, लेकिन सर जो सन हो गया, राइटर्स के जो कोट्स वगैरह वो वहाँ से क्वेश्चन, और सर मैंने देखा है कि उसमें कैटलॉग हो गया जो हम मतलब प्रैक्टिकली पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन कार्ड वगैरह, कार्ड कैटलॉग, कॉल नंबर वो वगैरह, सर हाँ बहुत ठीक है। कम क्वेश्चन आते हैं सर, और बाकी सन वगैरह और जो हम नहीं पढ़ा सर वो मोस्टली क्वेश्चन देते देखो हैं। अमन, एक चीज़ तो आप ज़िंदगी में सेट कर लीजिए, पहली चीज़, कोई सा भी जी सर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो कोई सा जी भी, सर, जैसे मान लो मैं अच्छे खासे टीचर एडुकेशन के फील्ड के बच्चों को, उसमें मेरा लाइव क्लास होता है, ठीक है? तो उसमें बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ये NCERT की किताब है, पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हो नहीं रहा है, यस ठीक सर, है? वहां पर ये जो ट्रेंड वाले क्वेश्चन की बात अभी सुमित कर रहा था ना, जी सर, वहां पर आपको प्रैक्टिस चाहिए कि ओके जिस भी सर, पर्टिकुलर एग्जाम का आप दे रहे हो, लेट से DSSSB का, तो पास्ट 10 ईयर का आप क्वेश्चन उठाओ क्वेश्चन बैंक लाइब्रेरी साइंस का, तब आप सर वो क्वेश्चन कैच कर पाओगे जो आप पूछ रहे हो, क्योंकि ये जो मैंने बताया है ये बिगिनर लेवल पर तो ठीक है,
और आपका तो कंप्लीट हो गया है ना, जैसे उसमें कभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो पहले तो शुरू करें वहाँ से, ठीक है। तो बिगिनर लेवल पर तो ठीक है कि आप जो है लेट से इग्नू से पढ़ लिए, लेट से वीएमयू से पढ़ लिए, ठीक है, बिगिनर लेवल पर ठीक है। उसके बाद जो सभी आप एग्जाम दे रहे हो, मेरा स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि केवीएस या DSSSB का लाइब्रेरी साइंस का पास्ट 10 ईयर्स का आप वो उठाइए क्वेश्चंस के लिए। यस कोई इधर उधर ऑथर का बुक नहीं, कोई ये नहीं कि ये XYZ गुप्ता की बुक, XYZ पब्लिकेशन की बुक, उसमें अगेन आप उसी माया चक्र में फंस जाओगे। तो बेहतर ये रहेगा कि प्रीवियस 10 ईयर आप उठा लीजिए, क्या कहते हैं, चाहे KVS को उठा लीजिए चाहे DSSSB को उठा लीजिए, उतना पर्याप्त होगा वो जो क्विज वाले क्वेश्चंस उनको करने के लिए, ओके सर, थैंक यू ठीक सर, है। ओके उतना सर, पर्याप्त होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू अमन। देन वेलकम टू राधा जी। राधा बताइए। हेलो सर, रियली सॉरी व्हाट हैपेंड नॉट अ टू माय प्रॉब्लम, नॉट अ सिस्टर। प्रॉब्लम। वैसे भी मैं राधा, नहीं राधा गोस्वामी हमारी एक स्टूडेंट है, मैं उसको समझ रहा था, मुझे लगा अच्छा शी इज द सेम राधा। नो सर, नो सर, नो सर। हाँ जी सर राधा बताइए। एक्चुअली यू आर ऑल्सो वेलकम ऑन डेली बाइट्स, यस प्लीज। हाँ सॉरी सर, हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। हाँ दिस ईयर आई हैव अप्लाइड फॉर बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंस। आई हैव गिवन एग्जाम्स CO-QP 11, दैट इज फॉर लाइक बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेस। आई आई बी ग्रेजुएटिंग दिस ईयर। आई वांट टू टेक एडमिशन इन लाइब्रेरी साइंसेस, सो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट कैन बी द कट ऑफ? रियली वरीड अबाउट इट। फर्स्टली कमेंटिंग ऑन कट ऑफ वुडंट बी वाइज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज फार एज CO-QP 011 इज कंसर्न। सेकेंड थिंग, यू कैन नेवर गेट अ आइडिया दैट हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड बिकॉज द सेम पेपर कोड इज यूज फॉर मेनी अदर एग्जाम्स एज वेल, CO-QP 011, यस ठीक है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू गिव द एग्जाम वी कांट बी श्योर कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर लाइब्रेरी साइंस ऑल्सो इन द सर्कमस्टांसेज वेन दिस एग्जाम ऑफ CUET इज हैपनिंग फर्स्ट और सेकेंड टाइम। सो आई डोंट थिंक इट वुड बी वॉइस एट माई एंड ऑन कॉमेंटिंग ऑन दैट। स्टिल आई वुड प्रेफर टू कॉमेंट इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, इफ यू हैव डन ऑलमोस्ट 52 क्वेश्चंस राइट, देन यू हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। 52 to 55 क्वेश्चन 44 सर, 44, 44। फ्रॉम जनरल कैटेगरी इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी और कॉलेज यू आर अप्लाइंग फॉर। इफ यू आर लुकिंग फॉर दिल्ली दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी देन इट इज गोइंग टू बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू। एक्चुअली सर, एक्चुअली आई हर्ड दैट दे गिव स्पेशल प्रेफरेंस टू ऑनर स्टूडेंट दैट टू द हु आर द वन दैट नॉट इन ग्रेजुएटेड कॉम्पिटिटिव फ्रॉम इट। एग्जाम्स, नॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दैट यूज टू हैपन वैन दे यूज टू टेक द एडमिशन फ्रॉम मेरिट बेसिस लाइक ओके प्रीवियसली। सर, ओके ओके, सो नाउ दिस ईयर दे हैव एंडेड ऑल ऑफ दैट। हाँ, ओके इफ ओके, इफ इफ दे हैव टू गिव प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर्स डिग्री, ऑनर्स डिग्री, देन वॉट इज द पर्पज ऑफ टेकिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके यस द सर, दैट द मेक्स वेरी सेंस। आइडिया ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैज कम फ्रॉम दिस थीम इट सेल्फ दैट दे डोंट हैव टू गिव प्रायोरिटी दैट यू हैव टेकन ऑनर्स डिग्री। हाँ श्योरली अर्लियर वैन दे यूज टू टेक द एडमिशन 50% एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, देन दे यू आर गिविंग प्रायोरिटी टू स्टूडेंट्स हु हैव डन ऑनर्स डिग्री। सो नाउ यू डोंट हैव एनी सच प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, एंड ऑल्सो वैन यू हैव अटेम्प्टेड 44 क्वेश्चन राइट राधा, यू हैव अटेम्प्टेड 44 क्वेश्चन राइट, Yes sir, yes sir, 44 योर questions. कंडीशन इज Sir, I'm वल्नरेबल really sure that those 44 questions that I did are correct. Like राधा। really, I'm very sure about them. From my experience, I am damn sure if you have attempted 44 questions correctly, minimum 10% questions will be wrong, whatever it takes. Okay, sir. तो the moment you will come around 40 or 39, 38, then making through Delhi University for Library Science won't be easy nut to crack. Okay, so it's like it seems really tough for me to get You should into. look for other options. You should start exploring for other options actually. Sir, Jamia, Jamia, like Jamia. You can apply for Jamia again. In Jamia, you're not going to find the easy way out because they have their own entrance exam for JMI also. Yes, sir. So I'm preparing for them. I'm Radha, actually actually, it preparing was for. easy for you to qualify the exam of CUQP 011. It was easy to qualify that exam. The same Yes, paper code sir. is used by Faculty of Law also in Delhi University, Yes, if you are sir. aware. Yes, sir, हाँ, thank you, तो sir. दैट पेपर कोड इज फार इजियर टू मेक थ्रू कंपेयर टू मेकिंग थ्रू जामिया। लाइक आई मेक स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर JMI ऑल्सो, सो आई एम वेरी वेल अवेयर सी यू मेकिंग थ्रू CO-QP 011 इज फार इजियर कंपेयर टू मेकिंग थ्रू द JMI। बट आई वुड रैदर सजेस्ट यू कि यू शुड मेक अ प्रॉपर और अ बेटर करियर प्लानिंग। प्रॉपर एंड बेटर करियर प्लानिंग वुड बी लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू शुड श्योरली गो फॉर डिस्टेंस मोड, एंड यू शुड लुक फॉर अदर फ्यूचर करियर प्रॉस्पेक्ट्स। कि वॉट वर यू प्लानिंग फॉर योर करियर आफ्टर अ ईयर, लाइक आफ्टर परस्यूइंग लाइब्रेरी साइंस कोर्स फॉर 1 ईयर, वॉट वर यू प्लानिंग आफ्टर दैट। सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्लान अलॉन्ग विद दिस परस्यूइंग दिस डिग्री इन डिस्टेंस मोड इफ यू डोंट गेट एडमिशन इन JMI और DU। इफ यू डोंट गेट एडमिशन इन JMI और DU,
बट एंड एक्सट्रीमली सॉरी टू से दिस बिकॉज विथ 44 क्वेश्चन इट इज़ वेरी हार्ड फॉर यू टू मेक थ्रू ड्यू. इफ यू गेट इफ माई विशेज विद यू इफ यू मेक थ्रू विथ 44 क्वेश्चन देन इट्स रियली फॉर्चुनेट एंड गुड बट आई थिंक इट विल बी tough not to crack. Okay, sir, let's hope for the best, sir. Thank you so much for this advice. Let's aspire Anytime. For the best, rather. Let's not hope for the best. Okay, thank you and best wishes. Huh? Yes, then I'll come to Nishant. Nishant, kya tha aapka query? यस 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 बिल्कुल कर सकते हैं. ध्यान दीजिए निलेट का फॉर्म बेसिकली कुछ तरह से इग्नू की तरह समझ लो कि आपने फॉर्म फिल किया है. निलेट में चार पेपर कोड होंगे, उनके चार मॉड्यूल होंगे M1 R1 M2 R2. जब जाओगे तुमको समझ में आ जाएगा. चार अलग अलग मॉड्यूल होंगे. बस मॉड्यूल नंबर 3 जो है पास करना वो लेवल में कठिन होता है क्योंकि उसमें पाइथन लैंग्वेज पूछता है. ठीक है, तो पहले मैं पढ़ाता था सी वगैरह जब पूछता था, अब मेरे पास उसको पढ़ाने के लिए टाइम नहीं है. सर ऑनलाइन होता है सर? नहीं नहीं नहीं, एग्जाम का बकायदा ऑफलाइन सेंटर पड़ेगा. सेंटर पर जाके दोगे आप और HTML की प्रोग्रामिंग आएगी, प्रोग्रामिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा. पाइथन लैंग्वेज का आएगा उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा. मतलब कोर्स ऑनलाइन कर सकते हैं? ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, पेपर ऑफलाइन होगा. भाई कोर्स क्या होता है ऑनलाइन कर सकते हैं? पढ़ेंगे कैसे सर? पढ़ने में ऑफलाइन पढ़ेंगे आप कैसे? आप बूझेंगे आप कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, ऑनलाइन भी होता है सर कि ऑफलाइन ही करना पड़ेगा? मतलब अरे अगेन एक सेकेंड, मैंने बोला कि जैसे इग्नू में एडमिशन होता है कोई आपको आके पढ़ाएगा नहीं, आप कोर्स के लिए अप्लाई कर दोगे, फॉर्म फिल कर दोगे और उसका एग्जाम होगा. उसका एग्जाम पास करने के लिए ये जरूरी है कि आप कहीं से पढ़ के जाओ. आप कहाँ से पढ़ के जाओगे? आपके ऊपर. ठीक है, उनका क्या है? पढ़ाता नहीं है सर. हाँ, वो पढ़ाते नहीं है. 4,000 रुपये में क्या क्या करेंगे वो? कि बुला के पढ़ा भी दें और डिग्री भी दे दें कंप्यूटर का, ठीक है, ट्रेनिंग भी दिला दें, प्रोग्रामिंग भी सिखा दें, तो ये नहीं होगा. देखिए बेसिकली चार मॉड्यूल होता है उनका. ठीक है, चार मॉड्यूल में क्या होता है, तीसरा वाला मॉड्यूल पास करना कठिन होता है. किसी इंस्टीट्यूट को आपको ज्वाइन करना होगा जो चारों मॉड्यूल का प्रिपरेशन कराता हो. निलेट क्या करेगा? निलेट केवल आपको फॉर्म फिल करवा देगा. आप उनका एग्जाम सेंटर एलोकेट होगा, वहां पर तुम एग्जाम देने जाओगे. ठीक है, जब एग्जाम देने जाओगे तो उसमें चार मॉड्यूल रहेगा, तो चार मॉड्यूल का पेपर होगा और एक का बकायदा प्रैक्टिकल होता है. तो कंप्यूटर सेंटर एलोकेट होगा जहां पे एग्जामिनर्स आपको जो है उस पर गाइड करेंगे कि तुम HTML का बेसिकली 3 या 4 क्वेश्चन देते हैं 20-20 नंबर का. तो एक HTML का प्रोग्रामिंग करोगे आप, एक पाइथन का करोगे. पहले सी का होता था, अब पाइथन का हो गया. पाइथन इज बेटर लैंग्वेज कंपेयर टू दिस डेज फॉर प्रोग्रामिंग और लाइब्रेरी साइंस, तो इसलिए उसको रिकमेंडेड रहता है वो पाइथन. वो करवाएंगे आपको. और सर लाइब्रेरी साइंस कोर्स में मतलब ये इसमें फायदा है? एक सेकंड. ठीक है, हाँ, तो जब आप उसको कर लोगे तो वो सेंटर एलोकेट होगा. जब आप उसको पास कर लोगे तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप ओ लेवल पास हो, जो कि पूरे इंडिया में मान्य होता है 1 ईयर के कंप्यूटर सर्टिफिकेट के कोर्स के लिए, क्योंकि वो भारत सरकार ही देती है. ठीक है, और उसका लाइब्रेरी साइंस से कोई संबंध नहीं है. लाइब्रेरी साइंस का जब जॉब निकलता है तो बोलता है कि 1 ईयर का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट या कोर्स उनको चाहिए. तो ये मेरा रिकमेंडेशन है आपको कि आप ओ लेवल वाला प्रेफर करिए. कहाँ जाओगे PGDCA और ये सब करने के लिए? ओ लेवल में क्या भैया, घर बैठ के फॉर्म फिल किया, 4,000-5,000 रुपये का फॉर्म फिल होगा पूरा, सीधा पेपर देने गया. और प्रिपरेशन कहाँ से करोगे? ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है कि प्रिपरेशन कहाँ से करोगे. ठीक है, ये चीज़ देखने की जरूरत है बस. ठीक है निशांत, जी समझ में आया? देन वेलकम टू चिन्मय. हेलो सर. हेलो चिन्मय जी, बताइए. हम गुड इवनिंग चिन्मय. हाँ सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है चिन्मय, प्लीज हेडफोन निकाल लेते हैं. हेलो. हाँ यस, नॉट ऑडिबल. यस प्लीज. हाँ, मैं ये LIS का सोच रहा हूँ, तो मैं सेक्टर में जॉब नहीं मिलता है इन फ्यूचर्स, तो प्राइवेट एड के लिए मतलब क्या? देखिए प्राइवेट सेक्टर में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल भी हैं, लेकिन अगेन प्राइवेट सेक्टर में वो स्किल्ड एम्प्लॉई को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. अगर आप सिर्फ डिग्री लिए रहोगे तो प्राइवेट सेक्टर में दिक्कत होगा. कोई भी बड़े से बड़ा कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, स्कूल हो, भाई उनको भी तो लाइब्रेरियन चाहिए ही चाहिए. और इसमें कोई, मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, किसी भी शिक्षण संस्थान में चले जाओगे, कोई भी कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, वहाँ आपको लाइब्रेरी दिखेगा, एक लाइब्रेरियन दिखेगा. अब वहाँ जो एम्प्लॉई बैठा है उसी को आप प्राइवेट एम्प्लॉई कह रहे हो. क्वेश्चन ये उठता है कि भैया वो प्राइवेट एम्प्लॉई कहाँ से आया? वो हमारे ही आपके बीच से कोई डिग्री लेके गया है. लेकिन हाँ, जो वहाँ आदमी बैठा होगा
तो उसको क्वा कैटलॉग ये सब क्या कैसे बनाया सब काम करने आता होगा, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रायोरिटी पर रखेगी और उसको सिलेक्शन देगी। अच्छा, इसलिए मैं तो लोगों को क्या लगता है ना कि प्राइवेट जॉब का मतलब ऐसा होता है कि बस मुंह उठा के जाएंगे और हो जाएगा। प्राइवेट जॉब तो सबसे पहले स्किल को ही प्रायोरिटी पर रखेगी, ठीक है? आपको आता है तो दे आर रेडी टू पे यू, आपको ज़्यादा आता है तो दे आर रेडी टू पे यू हैवियर। तो जितने भी कैंडिडेट्स जैसे टीचर एडुकेशन के फील्ड में डिग्री परस्यू करते हैं, तो मैं क्यों कहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस भी आपको रखना चाहिए अपने पास, क्योंकि कहीं ना तो कहीं जॉब में प्रायोरिटी मिल जाती है कि भाई तुमको टीचिंग भी आता है लाइब्रेरी साइंस भी आता है, तो स्कूल वाले क्या चाहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो दोनों काम में काम आए, ठीक है? जैसे को लेकर क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, लाइक अगर चिन्मय आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है इसलिए मैंने वो कर दिया। कोई और कैंडिडेट, किसी और कोई डाउट और क्वेरी? यस अमन, आप जिनका भी डाउट क्लियर हो गया प्लीज हैंड ओवर कर लें। शिवम, अमन, कोई और डाउट आप लोगों को? यस सुमित। यस सर, मैंने सर एक चीज पूछनी थी कि सर, जैसे सर मैं अभी सर कंप्यूटर कोर्स का सर 1 ईयर का कर रहा हूँ, तो सर मैं NICT से कर रहा हूँ सर, जिसका सर वो सर NIUS सर कंडक्ट करवाता है, समझ गया। तो सर क्या वो वैलिड रहेगा क्या सर, वो लाइब्रेरी साइंस के लिए किसी कहीं भी जगह? कितने समय का है सर? अभी मैं कर रहा हूँ सर, अभी मेरे को सर 3 मंथ हो गया सर। अरे कितने समय का कोर्स, ड्यूरेशन क्या है कोर्स का? ड्यूरेशन होता है कि कितने आवर का कोर्स है, कितने? 1 ईयर। ये कैसे पता चला आपको? तो सर मैंने सर हमारे सर जहाँ पे सर लोकल इंस्टीट्यूट है सर, तो वहां से मैं सर परस्यू कर रहा हूँ, तो सर वहां पे सर सिखाते हैं कंप्यूटर ओवरऑल। एक सेकंड सुमित, एक सेकंड, कहाँ से आप कर रहे हो? डिग्री की मान्यता कहाँ से आएगी उस कंप्यूटर सर्टिफिकेट की? सर NIUS से। NIUS से वो करवा रहे हैं या? ये तो तुमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट वाले करवा के सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो कितना वैलिड है हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। जी सर, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन मार्क लगा सकती है। ये जो मैंने बताया कि उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा ना, क्वेश्चन मार्क क्यों लगेगा भाई? ये देखो ना यार, इनका देखोगे भाई तुमको देख के पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगना चाहिए। ठीक है सर, मैंने सर जिस दिन सर मैंने सर कंप्यूटर ज्वाइन करा था, हाँ, तो सर उसी आप, दिन जैसे आप ये स्क्रीन पर देखिए ना, आपको कहीं से देख के लग रहा है कि इस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है? ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भाई इनका हर साल का पेपर था, फॉर्मली डोएक सोसाइटी इसी को कहते हैं। जी सर, तो सर उन्होंने उन्होंने सर पहले दिन ही सर जिस दिन मैं ज्वाइन करना था उस दिन मेरे को पहले दिन ही कहा था कि NIUS का सर वो वैलिड है, आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया से कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट निकलती है आप फॉर्म लगा सकते हैं। चलो डिपेंड करता है आप कितना सीखे हो। जी सर, अगर तुम ठीक से सीखे हो ना, जी सर, तो ओ लेवल पास करना कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। जैसे मैं ओ लेवल मेरा है, ठीक है जी, और हम सच बता रहे हैं मैंने ओ लेवल के लिए कोई पढ़ावड़ी नहीं की, तो मैं बस मेरे को कंप्यूटर आता था तो मेरे लिए कुछ उसमें ऐसा नहीं पूछा था जो मेरे लिए रॉकेट साइंस हो। मेरे को जावा C++ की प्रोग्रामिंग आती है तो मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा था, और HTML की प्रोग्रामिंग बहुत उच्चा छाप होती है तो कुछ ऐसा नहीं बता रहा था। अब तुम ये कह रहे हो कि सर NIUS की डिग्री पूरी जगह वैलिड होती है, तो अभी किसी ने प्राइवेट जॉब पर पूछा आपको अचानक से रख देगा और कभी आपको कंप्यूटर पर एक्सपीरियंस नहीं रहा है जो कि NIUS अगर दे रही है, तो हो सकता है वैलिड हो, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो अगेन आप सेम प्रॉब्लम में पहुंच जाओगे। जी सर, ओ लेवल वाले में क्या, जब तक नहीं करोगे तो पास नहीं हो पाओगे ना। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है ना यार, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं, जो भी जिस भी एरिया में होगा, आप श्योर नहीं हो सकते उसका डिग्री की मान्यता को लेकर, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और हाँ, इंस्टीट्यूट वालों से पूछोगे तो कहेंगे कि हाँ सही है, सब जगह वैलिड है। जी सर, तो आप अपने लेवल पर स्वतः पता करिए। जी सर, ठीक है, तो स्वतः पता करना जरूरी है। ठीक है जी सर। यस, एनीवन एल्स, एनी डाउट? हाँ जी, बुलबुल सिंह जी बताइए। हम हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बुलबुल जी, बताइए। हाँ हाँ जी सर, मैंने फैब में एडमिशन ले लिया है, बिलिस में, इग्नू में। मेरे को असाइनमेंट परचेज करने थे सर, तो कैसे करने हैं? वो डेली बाइट्स के ऐप में आप डायरेक्टली जाके परचेस कर सकती हैं, ठीक है, या तो आप डेली बाइट्स के व्हाट्सएप हैंडल के नंबर पे मैसेज कर सकती हैं। असाइनमेंट आप डेली बाइट्स के ऐप में जाके डायरेक्ट परचेस कर ली, सबसे बेस्ट तो वही है। ठीक है, मैं नंबर डाल दे रहा हूँ। ओके सर। सर वैसे मेरे को पूछना था कि असाइनमेंट की वैसे लास्ट डेट क्या होगी? तो तुम्हारा सितंबर में होगा ना? जी देखो बिल्कुल, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करोगी ना गूगल के प्ले स्टोर से, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करो,
तो उसमें डायरेक्ट तुमको 8 आइकन दिखेंगे। देखो चौथे नंबर वाला आइकन इग्नू का लिखा हुआ है, ये देखो डायरेक्ट, तो वो इग्नू पे तुम क्लिक करो तो जितने भी इग्नू से रिलेटेड मॉड्यूल है, लेट से एमए हिस्ट्री हो, लेट से लाइब्रेरी साइंस हो, वो सारा तुमको मिल जाएगा। सेल्फ परचेज कर लो, क्योंकि देखो डेली वेट्स के हैंडलर के पास आओगे, कॉन्टैक्ट करोगे तो जानती हो क्या होगा, पेमेंट करोगी, टाइम लगेगा क्योंकि मैनुअली सेटल होता है, ऐप में जाकर डायरेक्ट परचेज कर लो। ओके सर, और अगर सर कोई बुक इशू करनी होगी हमें पढ़ने के लिए आगे एग्जाम के लिए, जैसे अभी तो जो इनमें किसी के असाइनमेंट देने और किसी के एग्जाम भी देने, तो अगर एग्जाम के लिए कोई अभी से अगर हमें पढ़ना चाहिए तो कौन सी बुक? भाई अभी देखिए जितने लोग ऐसे हैं जो फ्रेश एडमिशन लिए हैं ना भाई, प्लीज लाइब्रेरी साइंस का कॉम्पिटेटिव एग्जाम किताब उठाने से पहले कुछ दिन एकेडमिक एग्जाम का किताब पढ़ लीजिए उनका, कि इग्नू के नोट्स में क्या दिया हुआ है, वीएमयू वाले में क्या दिया, पहले बेसिक थोड़ा सा मजबूत कर लीजिए, फिर DSSB या KBS का पास 10 ईयर का वो आता है उसको ले लीजिएगा, क्विज बैंक उतना पर्याप्त है। लेकिन वो क्विज बैंक भी तभी काम आएगा जब ये जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा था, जब आपने इसको पढ़ा है, आप खुद अपने लॉजिक से सोचो ना, आप क्विज वाला क्वेश्चन उठा लिए हो और ये जो सारे टॉपिक है, जो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये तमाम जो लाइब्रेरी साइंस के जो टॉपिक्स है ये सब पढ़े ही नहीं हो, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोसाइटी इंफॉर्मेशन, आपसे अचानक से पूछ दूंगा कि व्हाट आर 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी, तो बता सकती हैं बुलबुल आप मेरे को? नहीं सर। लाइब्रेरी साइंस का फादर कौन है बता सकती हैं आप मेरे को? नहीं सर। नहीं, अब तुम ये कह रही हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या कर रहे हैं, पहले एकेडमिक का पढ़ लो ताकि ये बेसिक सवाल तो क्लियर हो जाए, ठीक है? हाँ जी। हाँ, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस में गया होगा तो घुसते ही देखा करो एक स्टैचू लगा होगा रंगनाथन का, कोई गया है? कोई गया भी नहीं है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो थोड़ा सा जाके पहले बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मेक थ्रू करना है तो आप इसी तरीके से जाएंगे जो बता रहा हूँ, पहले आप ये करिए। जैसे जैसे देखो आप लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन ले लियो, हाँ जी, आप पूछ रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, मैं बहुत मामूली से सवाल पूछ रहा हूँ इस फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, अब आपको नहीं पता है, आप सोचिए ये कहाँ से पता चलेगा, ये सब बातें पहले आपको इग्नू की बुक से पता चलेंगी, फिर आप कॉम्पिटिटिव वाला बुक उठाओगे तुमको समझ में आएगा वहाँ क्या लिखा हुआ, अदरवाइज ऐसे ही झूला झूलते रहेंगे, ठीक है? जी ठीक है बिल्कुल, तो पहले वो चीज़ करिए और पहले ये कंटेंट एरिया सारा आप ले लीजिए, ठीक ना? हाँ जाके, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू बुलबुल एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेस। बाकी असाइनमेंट और लेक्चर सीरीज वगैरह आपको डेली बैट्स के ऐप पे मिल जाएगा, नुपुर मैम बैठी हैं, सारा कोर्स कंटेंट उन्हीं ने बनाया है लाइब्रेरी साइंस का, ठीक है? हाँ हाँ, यस पीयूष। जी पीयूष जी बताइए। हेलो जी पीयूष जी बताइए। हाँ सर, एक्चुअली मुझे ये कंफ्यूजन था कि जो भी लेवल ऑफ पेपर चेकिंग होगा अभी, जो क्योंकि मेरा 23 का अटेम्प्टेड दिसंबर उसका जुलाई अटेम्प्टेड, तो अभी जो साइकिल है मेरा, अभी वेकेशंस जो होने हैं समर वेकेशंस, उसमें एग्जामिनेशंस होंगे, राइट? तो उस एग्जामिनेशंस के जो लेवल ऑफ पेपर चेकिंग होगा वो किस तरह से रहता है क्या, जो क्योंकि पहले जब मैं मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इग्नू से कर रहा था तो उस टाइम पे भी कई लोग ऐसा बोलते थे, और ये चीज मैंने भी विटनेस की है के कहते हैं ना सर के पेपर भर दो आप तो मार्क्स मिल जाते हैं, क्या वो चीज इस कोर्स में? देखिए MTM के कोर्स में आपने इसके पहले अगर ऐसा एक्सपीरियंस किया है तो MTM का कोर्स और लाइब्रेरी साइंस का कोर्स दोनों बहुत दो डिफरेंट चीजें हैं। हाँ, तो दो डिफरेंट चीजें हैं। लाइब्रेरी साइंस में आपको देखो 2 to 7 जैसा भी पेपर होगा, ठीक है? 2-3, 2-4 का पार्ट 2 का भी कुछ एरिया का जो है प्रैक्टिस प्रैक्टिकल टाइप का लोग करवाते हैं। प्रैक्टिकल अच्छा हो गया। हाँ नहीं चलिए ठीक है, अच्छी बात, अच्छा हो गया। तो पीयूष जी देखिए, ये जो बात आप कह रहे हो भरने वाला पेपर, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आप उतना लिखिए जितना आपको आता है, अगर 500 शब्द बोला है तो 500 शब्द में लिखिए, ऐसा थोड़ी ना कि जो है वो पूछा कुछ और है मैं वहाँ हिस्ट्री लिखने लगूंगा, ठीक है? तो ये तो डिपेंड करता है पीयूष जी एग्जामिनर पे कि भाई एग्जामिनर कैसा है। हाँ वो तो है सर। नहीं एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है सर कि ऐसा इरिलेवेंट नहीं लिखना है, बट मैं ये कह रहा हूँ सर अगर मेरे कंटेंट मुझे पता है कि उसमें जितना आना है मेरे को उतना लिखना है, या फिर कुछ पर्टिकुलर कहते हैं ना सर नीड ऑफ वर्ड्स को भी सर सेटिस्फाई करना रहता है, वो चीज में नंबर ऑफ वर्ड्स बोला है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करिए, ठीक है? आप मेन कंटेंट से आंसर शुरू करिए और फिर जो नंबर ऑफ वर्ड्स लिखा है वो तो आप सेटिस्फाई करेंगे, वो तो करना ही चाहिए, वो तो उद्देश्य से होता ही है, करना भी चाहिए, ठीक है? तो वो तो बिल्कुल स्ट्रांग रिकमेंडेड है। और देखो इसको आप इस तरह से मत लो कि इग्नू है तो इसलिए नंबर मिलता है, अरे पूरी दुनिया में भैया जितना जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम का 20 का नंबर का क्वेश्चन आता है हर जगह ऐसे ही मिलता है, किसी बच्चे का कॉपी खोल दोगे ना
तो 20 नंबर का जब आंसर रहेगा तो एक्सपेक्ट ही किया जाता है कि चार पन्ने का आंसर लिखे हो तो पहला पन्ना काम का लिखो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए तुम्हें कुछ पता है, दूसरा पन्ना लपेट लो, तीसरे पन्ने में बताओ कि कंक्लूजन क्या है, चौथे पन्ने में आधा पन्ना खींच के बीच में नीचे क्रॉस लगा के कंप्लीट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लिखने का भाई। ठीक है सर, तो वो चीज़ आप करिए। ठीक है पीयूष जी, ओके थैंक यू सर, ओके थैंक यू एंड बेस्ट विशेस। एनीवन एल्स, एनी डाउट और क्वेरी, देन वी विल रैप अप द सेशन। ओके, सो दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। ध्यान दीजिएगा, सभी मंथ में एक बार हमारी जरूर से कोशिश है कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए डेली बाइट्स बैक टू बैक सेशन करता रहे एटलीस्ट वंस इन अ मंथ। तो वो जो सारा लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड कॉन्टेंट है और जो सारा कुछ जो आपका जो एकेडमिक कॉन्टेंट है वो सारा कुछ नुपुर मैम ही प्रिपेयर करती हैं, हु हैपन्स टू बी ऑल्सो गवर्नमेंट टीचर, तो वो सारा कुछ वो प्रिपेयर करती हैं, तो उनको उस फील्ड में अच्छा खासा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ है। तो शी इज़ इन एडवाइजरी रोल ऑन डेली बाइट्स। ठीक है, वॉलंटरी रोल में डेली बाइट्स में वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, ठीक है, आप मैम से नंबर वगैरह ले सकते हो, आप उनसे असिस्टेंस ले सकते हो। नंबर क्या मतलब, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें रहिए, या टेलीग्राम ग्रुप लाइब्रेरी एजुकेशन रिसोर्स जो है उसमें आप रहिए, और वहाँ पर रेगुलर जो एटलीस्ट जो मंथ में सेशन होता है पर्याप्त मात्रा में और लोगों को सुनने से ज्ञान प्राप्ति और गाइडेंस भी मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के रिगार्डिंग पूछ रहे थे मेजरली, तो जो नए लोग एडमिशन ले रहे हैं, फ्रेश एडमिशन भैया, उनका मार्ग और प्रशस्त होते जा रहा है कि क्या करना है। ठीक है, जिनको असाइनमेंट सबमिट करना है उनका मार्ग प्रशस्त होते जा रहा है। तो डेली बाइट्स के जो इनिशिएटिव है कि मंथली होता है, आप उसको ज्वाइन करके अपना डाउट और क्वेरी सॉल्व करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। और बाकी जो एकेडमिक कंटेंट है, किसी बच्चे को लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट चाहिए, किसी को इग्नू का पूरा कंटेंट चाहिए, असाइनमेंट चाहिए, तो वो सबके लिए नुपुर मैम वन ऑफ द बेस्ट वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जो कि लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपको रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे। यस निकिता, यस प्लीज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, देन वी विल रैप अप द सेशन। यस निकिता, सर जो कंप्यूटर कोर्स है वो अभी से शुरू कर देगा यार, एडमिशन करा के रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि चारों पेपर एक ही बार पास कर लोगी। ठीक है, नीलेट से ही करेगा? हाँ हाँ, नीलेट से ही करिए, वो सबसे बेस्ट है, रिकॉग्नाइज्ड है ना, वो लेवल की मान्यता पर कोई संशय नहीं है। लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरी साइंस में? नहीं, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट तो यूनिवर्सल है, आपको एक तो 2 to 5 का पेपर ही होता है। हाँ एग्जैक्टली, 2 to 5 का एक पेपर है। ठीक है, वो तो है, वो तो मतलब उस तरह का लैंग्वेज एक अलग बात है कि 2 to 5 एक लैंग्वेज का कोर्स सब्जेक्ट ही है, तो वो तो होना चाहिए, अंग्रेजी तो उतनी आनी चाहिए। टू टू फाइव अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे भैया, हमारे पास और भी लाइब्रेरी साइंस के बड़े बड़े मुद्दे सुलझाने के लिए अंग्रेजी कैसे पढ़ेंगे? देखिए नुपुर मैम लीजिए भाई, क्वेरी लिए 2 to 5 का इंग्लिश कैसे पढ़ेंगी है? कोई नहीं निकिता, अगर आपको लैंग्वेज वाले पेपर में ज्यादा प्रॉब्लम है तो डेली बाइट्स के ऐप में लेक्चर सीरीज है और लैंग्वेज वाले में उतना कंटेंट है कि जितना पूछा जाता है उतना कवर्ड है। ठीक है, तो आप चाहे तो वहां से एक्सेस कर सकती हैं। बाकी सर मैं चाहूंगी कि पीयूष हमारे स्टूडेंट है, पुराने रिपोर्ट भी परचेज कर रखा है और उनका प्रैक्टिकल भी हुआ है, तो मैं चाहूंगी पीयूष थोड़ा आप अपने साइड से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू 2 to 4 और 2 to 5 का प्रैक्टिकल से एनलाइटन कर दीजिए, अगर 5 मिनट और बाकी जो 2 to 4 और 2 to 9 के प्रैक्टिकल्स थे। तो बेसिकली मैं दिल्ली रीजन से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं कर्नाटका में पोस्टेड हूँ, मैं अभी नवोदय के अंदर एज ए केटरिंग सुपरवाइजर, और अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ BLIS के लिए, क्योंकि फिर मेरे को उसमें थोड़ा स्कोप और वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा अच्छा दिखता है इस वजह से। रही बात 2 to 4 और 2 to 9 की, तो जो 2 to 4 है और 2 to 9 है, दोनों के अंदर हमें प्रैक्टिकल्स करने, तो कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जो लिब्रे ऑफिस वाला प्रैक्टिकल है वो वही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसके अंदर जस्ट आपको वर्ड पे, PPT पे और एक्सेल पे काम कर, अगर आप वो करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि आपका स्टडी सेंटर है तो वहाँ पे आपको असिस्ट करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे ना 2 दिन में हुए थे 10th और 11th, तो फर्स्ट डे 2 to 4 था और 2 to 9 जो था उसमें हमको पोहा बताया गया था, और हाँ पोहा पे हमें करवाया गया था, तो हमें वो पहले सिखाया गया था, फिर वो हमसे ऑपरेट करवाया गया, वो सारी चीजें हो गई थी।
बस ये चीज का ध्यान रखना कि जो स्टडी सेंटर है, कई स्टडी सेंटर ऐसा भी कर रहे हैं कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या फिर एवरेज भी कर रहे हो वो सबको मार्क्स सेम देंगे। बट मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है कि यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। आप कम्युनिकेशन को उसमें यूज ले सकते हो। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर वहां पे आप डल डल एकदम बैठ जाओगे, नोटिस नहीं कर पाएगा कोई आपको, आप एवरेज नंबर लेकर बाहर आओगे। यू हैव टू मेक एन इम्प्रेशन। पास तो उनको तो करना वो ही है, एवरेज चीज, देके कर देंगे पास वो। हाँ एग्जैक्टली सर, वो एवरेज ही देंगे, लेकिन हमें एवरेज से ज्यादा निकलना है ना सर। एवरेज तो हर कोई घूम रहा है, यस यस प्योर, और सिलेक्शन एवरेज ही कैसे देना चाहिए। मिलती अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो क्यों दें ज्यादा। है? हाँ एग्जैक्टली सर, वही चीज है। तो इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। स्टडी सेंटर पे सपोर्ट रहेगा, और जहां तक मेरा प्रैक्टिकल गया तो उसमें लिखा है सर कि जैसे 9 to 5 ऐसा है, बट जो फर्स्ट डे था वो हम लोग का सभी का, आई गेस वी वर ऑल 30 मेंबर्स ओवर देयर, तो उसके अंदर जो हमारा सेशन था वो 12 बजे खत्म हो गया था। और जो नेक्स्ट डे था जिसमें हम लोग को कोहा वगैरह बताया गया था, तो उसके अंदर वो हमारा वही 1 1.5 बज गया था, उससे ज्यादा नहीं। तो वो चीज है, और उसमें हमें बस ये और सिखाया गया था कि बुक इशू कैसे करना है सिस्टम पे, क्योंकि वो थोड़ा हो सकता है बिल्कुल एकदम बेसिक सा था, क्योंकि उस पे डेटा ज्यादा अपलोड रहता है, तो जितना बेसिक रहेगा उतना फास्ट वो ऑपरेट कर पाएगा। तो इस वजह से थोड़ा बेसिक दिखेगा, लेकिन वो बहुत अच्छे से अगर आप एक बार करके 3 4 बार प्रैक्टिस करके जाओगे तो वहां पे एकदम कॉन्फिडेंट होके आप परफॉर्म कर पाओगे। बाकी इतना वही हार्ड एंड फास्ट है नहीं, लेकिन जितना आप सीख पाओगे उतना आप अच्छा आगे उसको रिटेन कर पाओगे। ये चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और पीयूजी लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट वगैरह में क्या पोजीशन रहा? लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट सर अभी सबमिट नहीं किया है, अभी फिलहाल अच्छा। जिसमें असाइनमेंट ही बना रहा था, क्योंकि यहाँ से दिल्ली भेजा था वो मिसप्लेस हो गया घर पे, तो अभी 2 to 4 का दोबारा बना रहा। तो यही है करके, लिटरेचर सर्वे रिपोर्ट मैंने खुद भी पढ़ के देखा। मैं एक्चुअली पूछने ही वाला था अभी, बट सर आपने बोल दिया कि सेशन एंड होने वाला है, तो मैं मैम से पर्सनली पूछता कि उसका जो वाइवा है वो किस तरीके से कैसे प्रिपेयर करना है आगे, क्योंकि मेजर उसमें वाइवा भी है, वो भी एक मेजर पार्ट प्ले करता है। मैं जस्ट पेपर जाके प्रिंट निकाल के सबमिट नहीं कर देना, राइट राइट तो राइट राइट गुड। सही हाँ बात है। तो वो चीज भी है। तो इस हिसाब से ये था, बाकी सर्वे एकदम वर्दी था और मैं सेटिस्फाइड हूँ। बस जल्दी से मेरा ये कंप्लीट हो जाए ताकि मैं एलिजिबल हो जाऊँ आगे, और मैंने कुछ और भी प्लान किया इसी फील्ड में और आगे बढ़ने का। अभी फिलहाल हो सकता है अर्ली हो जाए, लेकिन पहले BLIS कंप्लीट करता हूँ, फिर उसके बाद मास्टर्स और आगे भी जाना। राइट 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 सही बात है। चलिए। हाँ जी स्नपुर। हाँ, बाकी रिपोर्ट आप जैसा कि पीयूष ने कहा बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ लेकर खुद से बनाकर या फिर कहीं से परचेज करके ऐसे रख वहां पे सबमिट नहीं कर देना है, उसका वाइवा भी कंडक्ट होता है। ठीक है, तो एक कॉपी तो पहले सबमिट कर देना होता है, और मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करती हूँ कि एक कॉपी आप अपने पास रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इनफैक्ट वीडियो में भी मैंने इस बात को कवर किया है। तो देखिए, जो रिपोर्ट है ना, क्वेश्चन उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो भी टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया होगा पीयूष, उस टॉपिक से पर्टिकुलर आपसे पूछेगा बेसिक क्वेश्चंस कि इस टॉपिक को क्यों चूज किया, क्योंकि टोटल 7 टॉपिक है। तो आप एक बार अपना रिपोर्ट को रीड भी कर लेंगे ना, तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि उस टॉपिक पे पर्टिकुलर क्या क्या चीजें कवर की गई है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा। और हाँ, पहले क्या हो रहा था कि जो वाइवा है सिर्फ दिल्ली से कंडक्ट हो रहा था, जो रीजनल सेंटर है दिल्ली का, मैदानगढ़ी का। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि अपने हर रीजनल सेंटर पे कंडक्ट करवाए हैं अपने स्टूडेंट से। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर कहीं का है, किसी का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे एक पटना के थे, तो पटना का रीजनल सेंटर के अंदर जितने स्टूडेंट होंगे उनका जो वाइवा है पटना में कंडक्ट किया गया। ठीक है, और ऑफलाइन कंडक्ट किया गया। तो ये डिपेंड करता है कि वाइवा कैसे होगा, तो आपको उसका नोटिस आ जाएगा आपके मेल पे वाइवा से रिलेटेड, और फोन में भी इनफेक्ट मैसेज भी आ जाएगा और लिस्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने जिस भी रीजनल सेंटर से बिलोंग करते होंगे या स्टडी सेंटर, वहां का ग्रुप से ज्वाइन रहिएगा, या फिर अपने रीजनल सेंटर का वेबसाइट चेक करते रहिएगा। उसमें लिस्ट आ जाता है जिसका जिसका रिपोर्ट एक्सेप्टेड रहता है, सबका नाम रहता है, और जिसका नहीं एक्सेप्टेड रहता है एक बार जाकर पता करना होता है। बाई मिस्टेक भी छूट जाते हैं, है ना, तो एक बार जाकर कंफर्म करना होता है। तो पहले आप सबमिट करिए, उसके बाद तो आप हैं ही कनेक्टेड। अगर कोई भी इश्यू होगा तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए, आगे गाइड करने के लिए। ठीक है पीयूष? एंड ऑल यस मैम। अदर्स। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू एवरीवन। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन द अपकमिंग मंथ ऑफ अप्रैल, जो भी हमारा अप्रैल मंथ का सेशन होगा।
तो वहाँ और जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा बेहतर टॉपिक ऑफ डिस्कशन हमारे पास रहेगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और उसमें वैल्यू कंटेंट ऐड कर दिया जाए। तो और रही बात करियर अपॉर्चुनिटी और एस्पेक्ट की, तो इट्स ऑल अबाउट कि जैसे पीयूष जी ने बहुत अच्छी जो बात मेंशन की कि जैसे रिपोर्ट ही है, तो बहुत सारे लोग आते हैं बहुत फालतू बात करते हैं, ले लेते हैं इससे हो जाएगा। अरे तुमको एक हमने रफ स्केच दे दिया है कि भाई तुम्हारा उतना से भी काम बन जाएगा, एटलीस्ट तुम उसको ठीक से बार पढ़ो और वो लिख के दो, कल को वाइवा हो तो ठीक से बता पाओ। सही अप्रोच तो वही है, तभी आप उसको कर पाओगे। और वही उद्देश्य भी होता है असाइनमेंट और रिपोर्ट देने से पहले, ये नहीं होता कि एकदम उठाया प्रिंट निकाला और पकड़ा दिया। कुछ तो ऐसे आते हैं कि सर इस पे वाटर मार्क वगैरह हटा के एकदम हमको ऐसा दे दीजिए हम प्रिंट ही कर लें सीधा ले आके, एक शब्द बिना खुद से लिखना पड़े। तो हम लोग चाहते हैं कि आप उसमें दो शब्द खुद से ऐड करिए, वही रिकमेंडेड और वही मतलब सही तरीका भी होता है। अगर आप थोड़ा सा मतलब आउट परफॉर्म करना चाहते हो, थोड़ा सा देखो तरीके वही हैं, थोड़ा सा आपको उसमें अलग दिखना पड़ेगा चीज़ों को करने के लिए। ये नहीं कि जाके एकदम पढ़े हुए हैं बैठे हुए हैं, क्योंकि फिर एग्जामिनर को तो पास करना ही है, एकेडमिक एग्जाम है। और जैसा पीयूष जी ने कहा बहुत नॉर्मल सी बात है कि वो एवरेज मार्क्स देके आपको पास कर देंगे। चलिए ठीक है, तो इसी नोट पर सेशन को रैपअप करते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, बेस्ट विशेज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे अहेड ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।